इस पॉडकास्ट में मेरा मकसद बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है मैं चाहता हूँ हम एक बार एक ऐसे आदमी के शूज़ में घुसें जो 22, 23, 24, 25 साल का है जिसने इंजीनियरिंग इसलिए कर ली क्योंकि भाई इंडिया में ट्रेंड है फिलहाल इंजीनियरिंग का मतलब पिछले 30-40 साल से मैं कह सकता हूँ कि एक भेड़चाल है टुवर्ड्स तो इंजीनियरिंग उसने इंजीनियरिंग कर ली है उस आदमी ने इंजीनियरिंग करने के बाद एक लेवल ऑफ मे बी नौकरी पकड़ ली यू नो ही इज मेकिंग इनफ मनी एंड यू नो वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पॉडकास्ट समटाइम्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर्टिकुलरली एंड अप बीइंग वेरी अनहैप्पी एंड सो दिस पर्सन इज अ वेल टू डू इश पर्सन इंगेज इन सम डिग्री ऑफ इम्प्लॉयमेंट हैज बिग एस्पिरेन्स वॉन्ट्स टू डू समथिंग बिग वट्स टू ब फाउंडर वॉन्ट्स टू बी अडर वॉन्ट्स टू बी अ ने व्ट्स टू हैव क्रिएटेट समथिंग बाय द टाइम देर फिफ्टी बाय द टाइम फोर्टी

हर आदमी को अपना वैल्यू ऐड समझना चाहिए कि वो किस चीज़ में अच्छा है वो कहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकता है अब फ्यूचर इंडिया का फ्यूचर हो गया या एक फ्यूचर पकड़ लो जनरल उसमें माय फीलिंग इज कि मैन्युफैक्चरिंग और रियल uh, स्टफ बनाना रियली मच मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन इंडिया इफ दे आर गुड एट मेकिंग थिंग्स फिजिकल थिंग्स देन देर अ हायर चांस ऑफ सक्सेस हायर देन इफ दे वूंग समुड यू से एट दैट एज इट इज नॉट इवन फिक्सड कि आपका यूएसपी क्या है आपकी स्पेशलिटी क्या है यू आर स्टिल मोल्डेबल लाइक आप क्या एक चौबीस साल के आदमी को बोलोगे सुन तू अभी सॉफ्टवेयर कर रहा है सुन तू अभी तक इलेक्ट्रिकल कर रहा है सुन तू अभी तक इंडस्ट्रियल कर रहा है नहीं हार्डवेयर सोच मैनुफैक्चरिंग सोच प्रोडक्शन सोच और वहां पर बिल्ड करना शुरू कर खुद को इज दैट अ फेर एडवाइस वहां पर बिल्ड करने का मतलब काफी मतलब है एक तो इट इज नॉट जस्ट कि तुम अपना स्टार्ट करो बट यू कैन वर्क फॉर अ कंपनी यू कैन टेक अ इंटर्नशिप यू कैन वर्क फॉर अपने यहाँ पर एक दोस्त है हमारे उनका नाम है राहुल राज hmm. उनके बारे में काफ़ी बात करिए ट्विटर पर भी उनकी बैटरी टेक कंपनी है दूसरे ऑरेंज वुड वाले हैं हमारे पास पूरा एक इकोसिस्टम एक है जहाँ से आप बात कर सकते हो उन लोगों से पूछ सकते हो कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू हार्ड वे डू दैट वट इज़ द राइट वे टू डू दैट फॉर एग्जाम्पल आई वोट मेक समथिंग स्पेसिफिक

कॉन्ट्रीब्यूट लर्न फ्रॉम देम यार क्या मतलब हमारी पूरे आ, हिस्ट्री में उसको अप्रेंटिस शिप कहते थे यार बड़ी आ, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी कि दो तीन साल काम किया किसी अच्छे आदमी के साथ और समझे और सीखे और फिर अपना आ, स्टार्ट किया है ना ठीक तो एक किसी के लिए काम करना किसी के साथ काम करना कोई शर्म की बात नहीं है हाँ पाथ अपना पाथ दिख जाता है कि हमें क्या करना है और नॉलेज आ जाती है जब किसी के साथ काम करते हो मेरा नंबर वन एडवाइस ये है कि गो इन टू मैनुफैक्चरिंग एंड मेकिंग थिंग्स ओनली बिकॉज लॉट ऑफ डिमांड फॉर इट राइट हम लोग अभी बात करते हैं फरीदाबाद की हाँ फरीदाबाद में तुमने बताया कि यार यहाँ पे काफ़ी मैनुफैक्चरिंग होती है तुम्हारी कम्युनिटी में तुम काफ़ी लोगों जानते हो जो बहुत अच्छी बड़ी कंपनी चला रहे हैं बिल्कुल मेरे ख्याल से लगभग हर, लग हर कोई चला रहा है इनकी तादाद मतलब हज़ारों में है ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर जब लोगों ने अपनी मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी हमने उसकी ही बात करी कि जब स्टार्ट करी बीस पच्चीस साल पहले तब वो लोग अमीर नहीं थे नहीं। वो कब अमीर हो गए उनको भी नहीं पता चला वो तो काम पे लगे रहे ये जो आइडिया है ना कि कब अमीर हो गया पता नहीं चला ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे के पीछे भागने का फायदा नहीं है काम के पीछे भागो अच्छे काम के पीछे भागो तो अपने आप पैसा मिल जाता है आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अब ये गारंटी नहीं है कि पैसा आ जाएगा ऐसा नहीं है अगेन कि बटन दबाया पैसा दिख गया लेकिन अच्छा काम करोगे तो अच्छा पैसा आ जाएगा इसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है है ना तो ये चीज हमने फरीदाबाद में अगर देखी और यार ये चीज हर जगह होती है हार्ड वर्किंग लोग स्टार्ट करते हैं और फिर वो अमीर हो जाते हैं एट सम पॉइंट और उनको पैसे से मतलब भी नहीं होता है उनके बच्चे उसको एंजॉय करते हैं ये बहुत जरूरी है समझना कि आप ऐसी चीज़ उठाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जो आप बना सकें अब मैं उसके लिए आगे बोलूँगा कि फॉर सम रीज़न सॉफ्टवेयर में वो करना डिफ़िकल्ट है आज की डेट में व्हाई? व्हाई? इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर में बैरियर टू एंट्री लो होता है करना इतना आसान होता है घुसना इतना आसान होता है अब आज की डेट में तो चैट जीपीटी से आप आज चैट जीपीटी टू तो मेक स्मॉल एप्लीकेशन बी एबलिक पोस्ट करता हूँ तो बहरी आसान है जब आप कर सकते हो तो कोई और भी कर सकता कोई और कर सकता कोई और भी कर सकते हो तो आपका अपना उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन वट इज योर वैल्यू बैट वो कम है <laughs> तो फिर आपको उसकी वैल्यू भी कमी मिलेगी अब आप उससे सोच रहे हैं कि मैं मिली बन जाऊं ये चीज करके जो बाकी लोग भी कर चुके हैं तो उसकी तो बहुत कम चांसेस है राइट आई सी एंड कंट्रास्ट इज विद मैन्युफैक्चरिंग व्हिच इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ यू नो सो टू स्पीक हाई आईक्यू एंड सॉफ्टवेयर ऑल दैट इट्स हार्ड वर्क उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उसमें डिमांड भी बहुत है मैंने एग्जांपल दिया एज ए फैन रहा बना रहा है आइटम वर्क पैसे बना रहा हैं अच्छे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आया फैन बनाइए पर आप कुछ और बनाइए अगर आप नहीं बना सकते तो आप किसी के साथ काम करिए जो बना रहा हो Learn the tricks of the trade and then go on and build your own in a few years. Mm. Be an apprentice for a few years, I would say. But with a clear idea that you have to learn something that you can do better than others. Right. And mm. this is fact that if you don't know something better than others, mm. then obviously, why would you make more money or have more wealth than others? So, So, this is my next question actually. हाउ डज़ वन फिगर आउट वाट इज देयर स्पेशलिटी वट इज़ माई यू एस पी वॉट डू आई नो मोर दैन अदर्स हाउ डज वन वन फाइंड दैट आउट एंड इफ दे के नॉट फाइंड एट आउट हाउ डज वन प्रोड्यूस दैट विद इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है जो मेरा आंसर है हो सकता हो ये बाकी लोग अग्री ना करें कि मेरा आंसर है कि दिस इज ऑल्सो लेड बाई पर्सनैलिटीज एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर तुम फरीदाबाद में लोगों से पूछो कि भाई हाउ डिड यू गैर टू लेट से पेंट मैनुफैक्चरिंग बॉल बियरिंग दिल से किया मैं सोना कोयो स्टीरिंग वाला से मिला था एंड सोना कोयो जिसने सेटअप करे थे वो काफ़ी कैरिजमेटिक इंडिविजुअल थे और उन्होंने बोला यार ये कर दो तो मैंने कर दिया hmm. तुमने सुना होगा कि जो हमारे एक्स मिनिस्टर पायलट साहब थे जिनके

सम पीपल कैन सी फार्दर देन पीपल अगर तुम्हारा बॉस और तुम्हारा लीडर करिस्मेटिक और विजनरी नहीं है तो एट सम पॉइंट यू विल्ड अ बोथर यू नो इवेंचुअली राइट्रेड अपग्रेड एंड आई थिंक दैट सोल्विंग प्रॉब्लम इज अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व बिकॉज किसी को पता नहीं होता यार जॉब जहां लग रही है वहाँ पे कौन सा मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में इट इज़ नॉट वेरी एविडेंट लाइक यू कैन रियली फाइंड दैट आउट तो मैं तो यंग लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस देता हूँ कि यार पैसे के पीछे मत भागो वो बॉस फाइंड अ बॉस राइट फाइंड अ बॉस बिकॉज योर बॉस इज आल्सो योर मेंटर एंड देन वर्क एज अ क्रू राधर देन वर्किंग एज अ हायर्ड स्लेव और हायर्ड एम्प्लॉई दैट हैज नो मोटिव बिकॉज क्रू वर्क एज Team, team, वो जैसे एक, एक टीम होती है, एक क्रिकेट टीम होती है, it's, it's yes, 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 yes. एक दूसरे को जानते हैं और फिट हो जाते हैं एक यूनिट की भैया एक आदमी एक, एक ये करेगा दूसरा आदमी दूसरी चीज करेगा mm -hmm. तो एक आदमी गोलकीपर सब गोलकीपर नहीं है सब गोलकीपर नहीं है सब फॉरवर्ड नहीं है सब विंगर नहीं है ना तो एक यूनिट है जो फिट हो रही है एक दूसरे को पसल उसकी कंप्लीट कर रही है बड़ी फसल दिख रही है एक आदमी एक काम कर रहा है दूसरा दूसरा काम कर रहा है दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब लोग एक दूसरे को और एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और उनका एक बॉस उनका एक टीम लीडर उनका एक कैप्टन है जो सबको मैनेज कर रहा है उसकी अपना पर्सनैलिटी है उसको अपना क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है उसके हिसाब से वो आगे चीज़ों को ले जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है अर्ली करियर में बहुत ज़रूरी है कि किसी के साथ काम करना जो थोड़ी सी विजन रखता हो Hmm. और वो तुमको थोड़ा आगे की विजिबिलिटी दे दे आंसर दे दे तुमको बता दे ऐसे देखो ऐसे काम हो रहा है और मैं ये तो ये भी कह रहा हूँ कि स्पेशली यंग किड्स दे हैव दिस मेंटेलिटी थ्रू एजुकेशन सिस्टम कि उनको सब बताया जाएगा hmm. मैं देख रहा हूँ मैं लो, दो तीन बच्चों के साथ काम करता हूँ बहुत यंग है उन्नीस साल बीस साल के हैं कुछ बच्चे उनमें से हैं जिनका ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं दिमाग खुला हुआ है उनको बोल दो भैया ये कर दो ये देखो तो ये रास्ता यहाँ पहुँचना है तो वो करना शुरू कर देते हैं सर एक कॉल कर लो समझ में आ जाएगा हाँ कर दिया कुछ आई वुड से इन अबाउट टेन पीपल सेवन आर राइट एंड दे नीड कॉन्स्टेंट सुपरविजन दे नीड टू बी टोल्ड कॉन्स्टेंटली दे नीड टू बी मैनेज मैनेज एंड मोर देन मैनेज दे नीड टू बी फोर्सफुली मूव फ्रॉम दे पोजिशन राइट एंड पुश्ड हेड विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देम एंड मी कि मैं नहीं चाहता हूँ तुमको रोज सुबह उठाकर कुछ बोलूँ हाँ, करो, करो उसमें लैक बहुत है और अपना एजुकेशन सिस्टम ना ट्रेन करता है उनको भैया वो ऐसे ही लोग बने की आज बताएंगे सुबह क्या करोगे तो शाम को करोगे और फिर शाम को करके अपडेट भी नहीं करोगे फिर तुमसे पूछेंगे भैया क्या हुआ तो तुम अगले दिन बता रहे हो सर वो ये हुआ ये हुआ तो ये जो चीज़ है जो सात आउट ऑफ टेन है सेवन यार काफी है ना इसको लैक ऑफ इनिशिएटिव नहीं बोलूंगा मैं। hmm. इसको मैं लैक ऑफ नॉलेज नहीं बोलूंगा स्मार्ट लड़के तो भी हैं काफी अच्छे लड़के भी हैं इसको मैं बस ये बोलूंगा कि एक लैक ऑफ गोल है lack of agency कहते हैं hmm. ना मैच एंड गेम एंड सॉकर एंड देन यू डोंट नो दैट यू हैव टू

नहीं नहीं होल्ड होल्डअप आई नो दिस इज दिस बाय द वे वेरी इंटरेस्टिंग थ्रेड यू पिक्ड अप दिस किलर इंस्टिंक्ट आइडिया इज सुपर सॉलिड बिकॉज मेरे को भी लगता है आधी दुनिया में वो एपेक्स प्रेडिटर वो मेरे को जीतना है आई वॉन्ट टू विन दैट देर इज अ कॉन्टेस्ट टू बी वन आई एम नॉट सेंग मेक दैट कॉन्टेस्ट योर लाइफ आई एम नॉट सेंग मेक योर जॉब योर लाइफ आई एम सेंग दैट वाइल यू आर प्लेइंग दैट गेम प्ले टू विन वाई एल सुड यू प्ले दैट गेम राइट एंड आई थिंक दैट इज डीपली अ मिस बट डू यू थिंक वो सबको एक्सेसिबल है और उसको एडुकेशन और ग्रोइंग आपने मार दिया है और डू यू थिंक वो कुछ ही लोगों को एक्सेसिबल है बाकी लोगों को एक्सेसिबल ही नहीं है भाई आई थिंक एक पॉइंट पे प्राइड की बात भी आएगी hmm. कि भाई देर इज समथिंग इन यू इन साइड यू दैट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस दैट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस एंग एंड यू नो गेट सम रिस्पेक्ट एंड स्टेचर कहते ना खुद की इज्जत करना सीखो सुबह जल्दी उठोगे तो इसलिए नहीं उठ रहे हो कि किसी ने बोला या अलार्म बजा खुद उठ रहे हैं क्योंकि हंगर है mm. अपनी रिस्पेक्ट है है ना तो वो रिस्पेक्ट और प्राइड सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड एक तो वो एंगल हो गया और दूसरा एंगल हो गया कि कल्चरली वेन यू आर इन द कंपनी ऑफ वन बैड एप्पल कहते ना ब्लैक पिल्स वो सबको खत्म कर देंगे तो वो जो तुम्हारे संगत है जो हमारे माता पिता बोलते थे हम लोग सुनते नहीं थे बचपन में ना कि संगत अच्छी रखो बिल्कुल बिल्कुल है ना वो एक बार बिगड़ गई है एक बार चली गई है इसीलिए होपफुली दे लिसन टू यू होपफुली दे फॉलो गुड क्रिएटर्स भाई मैं तो बहुत बुरी संगत हुआ मेरी मेरी नहीं नहीं ये गलत बात है ये चीज है ना स्वास्थ्य और मजाक मतलब मजाक में भी ये चीज हम लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है है ना हमारे ऊपर मतलब मेरे ऊपर तुम्हारे प्राइड अंदर से लाना पड़ेगा तुम बाहर देख के तो नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी संगत जैसी भी हो अच्छी हो बुरी हो कोई तुमको कभी नहीं बता सकता है कि तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी है तुम्हें समझ में आना चाहिए बिल्कुल ये तो बात साठ हो रही है यहाँ से इसके आगे जा रही है बात तो अगर एक टीम के पार्ट हो रहे हो या एक बॉस के साथ काम कर रहे हो वो भी चाहेगा कि तुम अपना काम खुद कर लो राइट right. बिकॉज जितना अपना काम करोगे टीम उतनी आगे बढ़ेगी इतना गोल के लिए तुम खुद ही प्लान करोगे उतना अच्छा होगा hmm. बोलना नहीं पड़ेगा भाई गोल करना है hmm. और फिर तीसरी चीज आती है कि लीडरशिप कि यू ऑल्सो बिकम अ लीडर इवेंचुअली दैट विल ऑल्सो कम थ्रू दिस पाथ नाउ यू नो हाउ टू वर्क विद अ बॉस तो नाउ यू नो हाउ टू वर्क विद योर

कुछ नहीं होता है एवरी परसन इज लीडरशिप इवन इफ यू हैवसन टेक लीडरशिप विद योर पियर्स यू कैन से तुम इतना बॉस के ने बोला या तुम कर लो तुम अपना कर लो मैं अपना कर ले तो वो उसका काम आगे बढ़ेगा सो एनीट एनी Exactly. तुम्हारे दोस्त तुम्हें देख रहे हैं तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हें देख रहे हैं, और yes. वहां बच्चे तुम्हारे देख रहे हैं। mm -hmm -hmm. आपका कोई एस्केप नहीं करता बिकॉज यूर किड्स विल वॉच इट लेटर आप जवानी में हो सकते हो हड़दंग बट mm -hmm. जब आप आपकी एज रहेगी आपके बच्चे हो जाएंगे वो वो देख के फादर विलूट इट विल

सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लीडरशिप इज अबाउट मेकिंग श्योर वी विन राइट नॉट मी बिकॉज देर इज नो लीडर तो इंडिविजुअल किसी को बोला नहीं आज किसी ने अकेले आदमी दौड़ा बोलते लीडर नहीं तो लीडर के लिए तो और लोग चाहिए होते हैं राइट Right. और अगर वो win नहीं करेंगे तो आप भी win नहीं करेंगे बिल्कुल तो कोई मतलब ही नहीं है उसका है ना तो आप किसी के लिए काम करिए

इस नेशन की एक आ, क्या कहते हैं उसको अच्छी भी चीज़ है ख़राब भी चीज़ है कि सब लोग बोलते हैं तो स्पीच फ्री है तो ज़्यादा ही बोल जाते हैं मैंने भी मीम बनाया यार मैंने मीम बनाया मजाक में लेकिन देखो बात उन्होंने ये नहीं बोली कि तुम जाके सत्तर घंटे काम करो बात ये बोली कि अगर मेहनत कर रहे हो सत्तर घंटे इस नेशन को हार्ड वर्किंग लोगों की ज़रूरत है जो अच्छा सत्तर घंटे काम करेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो आगे निकलेगा ऐसी hmm. चीज बोली है राइट right, ना right. एक हमारे यूपी में कहावत कहावत क्या टर्म है गधा बची सी कि गधा बैठ के सामान ढो रहा, रहा, रहा है, है हाँ, ना हाँ. मेरे ख्याल से उस वो करने से फायदा नहीं है एंड देन दिस कम्स बैक टू माई प्रीवियस सजेशन दैट फाइंड अ गुड बॉस राइट अच्छे बॉस अच्छी टीम एक अच्छे लोगों के साथ काम करने की कोशिश करो और वो कोशिश नाकाम भी हो ट्राई करते रहो जब अच्छा मिले तो वहीं रुक जाओ hmm. इन दस रुपये पाँच रुपये इधर उधर पैसे के चक्कर में मत पड़ो ठीक फॉर अ वाइल यू नो अ टाइम फॉर टाइम इन प्लेस ओमर मनी बट राइ फाइन अ गुड टीम एंड जब तुम्हें अच्छी टीम मिलेगी तो पैसा ही मिलेगा और जब अच्छी टीम मिलेगी तो सत्तर घंटे क्या भाई नब्बे घंटे भी तुमको कम पड़ेंगे तुम्हें काम करने का मन करेगा तो तुम अच्छे बॉस के लिए जान दे दोगे वर्ल्ड वॉर टू में वर्ल्ड वॉर वन में इंडियंस ने ब्रिटिश जनरल्स के लिए जान दी थी राइट क्यों दी थी बहुत अच्छे थे उनके ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी लीडरशिप अच्छी थी अच्छे बॉस बनो लोग जान दे देंगे और वो अगर अच्छा बॉस मिल जाता है तो लर्निंग भी होगी ग्रोथ भी होगी पाथ भी दिखेगा कि भाई मुझे मेरा करियर ये दिख रहा है आज मैं ये कर रहा हूँ कल मैं वो कर रहा हूँ कल मैं अपनी कंपनी चालू करने की कोशिश करूंगा तो मेरे हेल्प मिलेगी एडवाइस मिलेगी राइट उसमें फोकस करो राइट काम ऐसा हो ना कि नब्बे घंटे और अस्सी घंटे और सत्तर घंटे करने में मज़ा आए

दो तरीके के होते हैं जो नारायण मूर्ति ने सत्तर घंटे की बात करी उसके दो बहुत अलग तरीके होते हैं एक तरीका होता है और दो तरीक़ों के भी दो तरीके होते हैं बट एक तरीका होता है कि मैं आया और मैंने खोदना शुरू किया मैं सत्तर घंटे खोदा अगर मैं सत्तर घंटे मंथ ऑन मंथ वीक ऑन वीक खोदूंगा ना तो मेरी बॉडी एक दिन जवाब दे देगी करेक्ट दूसरा होता है मैं आया मैंने सत्तर घंटे इस हफ्ते में लगाए सोचने में कि ये खोदना कैसे है और खोदा भी फिजिकल एक्ट भी किया और सोचा भी कि यार ये प्रॉब्लम मे बी यू नो दिस कुड बी सॉल्व लाइक दिस सन मे बी इफ आई गेट दिस टूल लाइक यू हैव अ मेटा अप्रोच यू आर नॉट जस्ट डूइंग यूर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट वॉट यूर डूइंग एंड आई थिंक द एसेंस ऑफ बिल्डिंग इज क्वाइट लाइक दैट बिकॉज अगर मैं एक कंपनी खड़ी करने के एक बिजनेस खड़े करने के किसी भी एक प्रोसेस पर फंस जाऊँ तो सत्तर घंटे कम बहुत कम है लगाने के लिए पर उससे रिटर्न नहीं आएगा कोई जब तक आपके पास वो मेटा अवेयरनेस नहीं है जो सत्तर घंटे का पार्ट है जहाँ आप सोच रहे हो इसके बारे में तब तक आप तो एक गड्ढा खोदने वाला आदमी सत्तर घंटे गड्ढा खोद के प्रोग्रेस नहीं करेगा हो सकता है वो चालीस घंटे गड्ढा खोदे और रिलाइज करे यार चालीस घंटे में जान जा रही है पर ये गड्ढा खोदना जरूरी है क्योंकि मेरे को इसकी मेरे को कहीं पहुंचने की भूख है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं जे सी मंगवा सकता हूँ एंड यू नो 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 माई माई पॉइंट इज इज़ अ वेरी क्रॉस एग्जाम्पल ऑलमोस्ट अ फनी एग्जाम्पल बट इट इज़ नॉट डम लेबर यू डू ओवर सेवेंटी आवर्स डम लेबर विल डेफिनेटली किल योर सोल इट इज़ एक्टिव लेबर यू कॉन्टम्पलेट यू आइडिएट यू रियलाइज यू टॉक टू पीपल यू यू कम अप विद बेटर आडियाज एन एंड दो 70 आवर्स क्यूमुलेट इन दैट सेंस एंड

I think what Murthy meant was a very specific kind of an attitude that is not dumb labour, that yeah, is not yeah, forced sure, labour, sure, yeah. that is very active and consumed labour which yeah. is also meta-aware. But having said that, <clears throat> I understand that your preference, you know, you you think that this is a great idea that people should get into manufacturing, physical, producing physical stuff. But say I'm in Bangalore, say I'm in Pune, say I'm in Hyderabad, say I'm in Gurgaon, which are the four big tech centres, you know, engineers' kill.

Twitter slash X, which is X now, X.com, mm. which is a, I think, the only media where you can capture vibes and you can see what's going on in that community that actually moves information around and creates, you know, national dialogues, global dialogues. So it's not very hard to find vibes on Twitter. Mm. That's exactly what Twitter is for. आई वुड इवन सेट फाइंडिंग वाइव इज मच ईर इफ यू हैव वन और टू प्लेटफॉर्म दैट यू ट्रस्ट देन इफ़ यू आर कन्फ्यूज एंड डिफ्यूज हर जगह जा रहे हैं हर जगह सुन रहे हैं कन्फ्यूज हो रहे हैं एक दो अथॉरिटीज़ को फॉलो करो अथॉरिटी फॉलो करो वहाँ से वाइव्स ड्रॉ करो एंड hmm. अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके अराउंड बिल्ड करो hmm. क्योंकि कितने लोग कितने भी लोगों से बात कर लो राइट योर ओपिनियन चेंज बेस्ड ऑन टॉक

कहाँ पर क्या स्कूल कॉलेज ख़त्म कर रहे हैं ना बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं गुड आपको लिथियम में काफ़ी इंटरेस्ट है अच्छा तो मैंने उसको जिस दिन मिले उस दिन बोला <coughs> शाम के सात आठ बजे कि यार देखो एक काम करो कल तुम लिथियम के बारे में कुछ लिख के लाना एंड डोंट मेक इट ऑन चार्टजीब्यूटी बिकॉज आई चेक हाथ से लिख के लाना आई जस्ट सेट देट यार यू नो विदिंकिंगार बंदा सुबह सुबह नौ बजे होटल पहुँच गया मेरे तो सर मैं लिख के लाऊँ चार पे कसम खा रहा हूँ कुछ चार्ट जीपड़ी यूज नहीं किया <laughs> उसने ऑनेस्टली कुछ बढ़िया बढ़िया लिखा था लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसको डायरेक्शन दिखा दिया मैंने थोड़ा सा कि इस पर लिखो ये लिखो थोड़ा उसको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि दिस इज बॉट इज नीडेड एंड उसका मून शॉट आइडिया है कुछ लिथियम रिफाइनिंग करनी है उसको विच इज़ आई कैन गारंटी यू नॉट ओनली नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट टर्म इट्स ऑल्सो समथिंग दैट पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट बट द गुड न्यूज इज दैट नाउ दैट ही थिंक्स अबाउट इट maybe he writes a paper on it maybe he gets more interested he will probably end up doing a phd on it eventually if this guy is focused on this thing he will probably become much more useful and who knows he might have a breakthrough he might have a breakthrough yeah. that is how breakthroughs happen here yeah. right obsessive people random guy just right. rando, random guy and i just want to do lithium rhythm to, I go twitter maybe photo for lithium mines when, he, when they see this guy they get hmm. you know last, last picture they see the point is not what you want to achieve. You could be achieving anything. The point is the process to achieve that, and the process is very simple: identify that vibe, be a part of community, and contribute. Contribute. Come, karo. Long form, likho. I insist right, on long right. form. Write something. Right. Make a project. Make, make something. Small, tinker. Like do, do anything. Play yeah. with it because yeah. that is going to open. But there is one interesting fact. John Piaget, who was a child psychologist, उसने ये बात फिगर आउट करी थी कि ह्यूमन इन्वेंट टूल्स एंड देन वॉट है टूल उसकी यूजेज पॉसिबिलिटीज होती हैं और उस यूजेज पॉसिबिलिटीज hmm. से हम साइकोलॉजिकली और मेंटल मॉडल्स क्रिएट करते हैं सो एल गिव यू एन एग्जाम्पल हमने कंप्यूटर क्रिएट किया कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है वो मॉडल देखने के बाद बोला अरे हाँ हमारा दिमाग भी तो ऐसे ही चलता है जिस दिमाग ने कंप्यूटर बनाया वो कंप्यूटर बनाने के बाद रियलाइज करता है मेरा नेचर भी ये है एंड सो टूल्स आर एन इफेक्टिव टिंकरिंग इज इज एन इफेक्टिव वे ऑफ एक्सपेंडिंग योर बैंडविड्थ एंड दैट सच अ ब्रिलियंट एग्जांपल कि जब तक हथौड़ा नहीं था मारने का कॉन्सेप्ट नहीं था <laughs> जब तक पत्थर नहीं उठाया था पता नहीं था किसी का सर फोड़ सकते हैं तो टूल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ यू हु यू आर एंड आई सी द टिंकरिंग एस्पेक्ट बट दिस कम्युनिटी एस्पेक्ट आई वांट टू डबल क्लिक ऑन इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मी देन एज एन इंजीनियर टू फिगर आउट अ वे टू मूव टू अ सिटी लाइक पुणे हैदराबाद बेंगलोर गुड़गांव जहाँ पे बहुत सारे टेक्ज़ हैं टू फाइंड दैट कम्यूनिटी और इज़ देर इज़ दर अ गुड आइडिया इज़ दर अ बैड आइडिया सब लोग को अमेरिका में सैफ्रान जाना है साले जो टेक स्कूल से निकलेगा उसको सैनफ्रान जाना है उसको वैली जाना है उसको पैलोवाल्टो तो जाना है उसको वहीं जाके बैठना है वहीं मेरे को स्टैनफर्ड पढ़ना ही इसीलिए क्योंकि पैलोवाल्टो तो ये दुनिया भर की बातें हैं ठीक है जिसको फाइनेंस पढ़ना है वो सब न्यूयॉर्क भागते हैं कोलंबिया फीडर ग्राउंड है सारा वॉल स्ट्रीट चला जाता है क्राउड इस बात में कुछ अकल है या भेड़चाल है तो को पहली चीज तो ये है, अब तो टैप होना है भाई। एक चीज और देखो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं और दुनिया में क्या रहा है वो उसको अगर भूल जाओ इंडिया की बात करो देखो जिसको जान जाना है आजकल इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि बैंगलोर में कुछ हो रहा हो तो दिल्ली में वो हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा और नहीं मिले कोई तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कानपुर में भी मिलता है और बॉम्बे में भी मिलता है ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स और छोटे मोटा स्टार्टअप और छोटे मोटे यू you नो know, हार्डवेयर का काम हर सिटी में ना हो रहा हो इंदौर में इंदौर के पास बाहा होती है जो कार एक ऑटोमोटिव हैकाथन टाइप है जहाँ पर नई नई अपनी कार्स बना के लोग दौड़ाते हैं इंदौर के पास है तो ऐसा कुछ भी नहीं है hmm. हर सिटी हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है हर जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं कल मैं दिल्ली में हूँ आज तो कल मैं बॉम्बे में था कानपुर जाऊँगा वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है इनफैक्ट कानपुर में आई कानपुर है वहाँ पर जा सकते हो हर जगह जा सकते हो तो कोई ऐसी लोकेशन का लिमिटेशन नहीं है लिमिटेशन सिर्फ मेंटल है और लिमिटेशन एक सेल्फ इंफोर्सड एक बिलीफ है कि हमको वहां जाना है तभी हो पाएगा hmm. मैंने बोला तो कानपुर में यार डिफेंस uh, हाँ uh, uh, जो सबसे बड़ा डिफेंस है इंडिया का हाँ। uh. फिर तो कौन सा वो सैन फ्रांसिस्को में हो रहा था इधर ही हो रहा है अब आई वुड रादर रादर वर्क फॉर एमकेयू देन वर्क फॉर समी नो नेम इन वट एवर सैन फ्रांसिस्को Right, right. Get get some experience. Right, and maybe then go to San Francisco and create a new company. Maybe even if I want to, right? Right. No, but San Francisco. I was borrowing as an American example. Is there is there इज दर बेनिफिट टू फिजिकली बीक अराउंड दट पॉपुलेशन डज दैट हेल्प बिकॉज आई टेल यू वॉट ठीक है मैं आपसे मिला आई मैट सिड अराउंड दैट टाइम वन आई वो इन यॉर्क राइट आई मैट लक्स लक्ष्मण हु ऑल्सो रन अ सॉफ्टवेयर सैस स्टार्टअप राइट एंड देन आई थिंक यू आर थ्री बट देन देर आर अदर दीज आर इंडियन फाउंडर्स देर वज अमेरिकन फाउंडर्स आई वोज मीटिंग सोन एंड सोफोल एंड देट पुट मी इन अ मूड टू ट्राई आउट समथिंग इन सैस लाइक लर्न अबाउट टेक्नोजी आई वॉज ऑलवेज लाइक अच्छा ही कैसे चलता है इसकी सेल्स कैसे होती है इसकी मार्केटिंग कैसे होती है

करो लेकिन किसी को नहीं करना है जैसे कि यार बॉम्बे नहीं मूव करना है hmm. क्या ये मेरे सिटी में हाँ हो सकता है छोटा hmm. स्टार्ट करो तो पॉसिबल है ओके okay, सपोज़ वो ऑप्शनल है सपोज मैं हंगरी हूँ दुनिया भर की चीज़ें दुनिया भर के काम हो रहे हैं अब मैंने एक टीम ढूंढी मैंने एक बॉस ढूंढा मैंने उस बॉस के अंडर डेडिकेटेडली काम किया मैंने बहुत काम सीखा ठीक है नाउ हाउ डू आई नो वेन आई एम रेडी

एंड यू नो आई टॉक टू माई गर्ल फ्रेंड वेरी ऑफ्टन मैक्सिकन है वो आप शायद मिले नहीं हो हाँ वो मेरे को कहती है कि आप मेक्सिको जाओ ना वहाँ पर कॉन्टेंट क्रिएटर्स इतने ना वहाँ पर लोग इतने स्टार्टअप टेक की बात कर रहे हैं वहाँ तो भैया चल रही है जो चल रही है वहाँ पर थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेसिस का सीन ठीक है माफिया का सीन बहुत है बट लाइक देर इज़ इन पर्टिकुलरली दिस वेव दैट वी इंडियन स्टेक फॉर डिफॉल्ट राइट so right now when entrepreneurship is king where risk taking is so important where capital flow at least visibly seems to be enough how do I know I'm ready to start because बहुत लोग and I think there is something to be said about this also कि आप जब college खत्म करते हो उसके पांच अगले पांच सात साल में ना you have a good opportunity to launch yourself into hyperspace आप बहुत दूर जा सकते हो बहुत जल्दी तो कब कैसे मैं कैसे सोचूं कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने का वक्त आ गया है <coughs>

जो होते हैं अगर वो सेलर नहीं है और सेलर हैं जो बिल्डर नहीं है तो कहीं ना कहीं बॉटल लेक आता है बाद में मैं तो काफ़ी इस बार में बोलता हूँ कि नॉन टेक फाउंडर की कोई औकात नहीं आपने बोला है मेरे को सौ बार बोला है ये कोई मतलब ही नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बॉल बेरिंग जो बना रहा है उसको बॉल बिल्डिंग कैसे बनता है प, बनता है पूरा पता होता है अब वो कभी होता ही नहीं है कि जो बॉल बेरिंग बना रहा हो उसको पता ही ना हो कि स्टील का दाम कितना है बॉल बेरिंग की मशीन कौन सी होती है सब कुछ पता होता है ऐसा नहीं होता है कि उसको ना पता अब ये बात दूसरी है कि बॉल बेयरिंग की मशीन के अंदर क्या चल रहा है और यू you नो know, चलो क्या है the no no एक चीज और एक चीज और क्लेफाई करता दो हूँ कि लोगों को लगता है कि सेल फाउंडर सेल्स करता है और सेल्स कुछ दूसरी चीज़ होती है जी नहीं सेल्स इज जस्ट टेलिंग योर प्रोडक्ट टेलिंग अबाउट योर प्रोडक्ट टू एनी बडी दैट इज बस

Was he was he a technical founder? He knew more about computers than you and I do, yeah. Interesting. Because he, people generally say he was the brains yeah, and like type font, uh, Typeface font, uh, Typeface, Steve Jobs basically brought that to computers. He went to Xerox Park and uh, saw technology, mouse and all, he brought that into computers. Steve Jobs was a visionary, yeah. He made iPhone, yeah. Right. And the thing is that he knew how these things are put together.

फॉर इंस्टेंस और ये दिस इज ऑफ एन अर्ली क्वेश्चन राइट मेरे को लगता है कभी भी मुझे भी क्वेश्चन दिखा दो यार मैं भी देख लूँ तुम्हारा तो सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें आप कह है, रहे हैं रहा रहा है। मैं ये कह रहा था <coughs> कि अब मैं ये मैं मई फाउंडर मैं मई मैंटेलिटी लेकर चलता हूँ ट्वेंटी फोर ईयर मेरे को लगता है ऑन सम लेवल आदमी अपने को फाउंडर या अपनी टीम भी ना तभी से लाइक नापना शुरू कर देता है कि यार इसके साथ कुछ किया जा सकता है या इस टाइप की मैं टीम चाहूँगा

ये बहुत जरूरी है ये मैंने गलती बहुत करी है हम लोग सबको गलती करते हैं है। है। जरूरत है होती है तो पहले हम लो लोग ग्यारह लोग ढूंढने जाते हैं फिर क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं right. लेकिन बिजनेस में क्रिकेट का जो गेम है वो अलग तरह से डिफाइन होता है कभी कभी दो लोग की जरूरत होती है कभी तीन कभी चार कभी ग्यारह कभी ग्यारह सौ राइट एंड दैट डेफिनेशन कम्स फ्रॉम द कस्टमर एंड मार्केट समझ रहे मतलब एक कस्टमर है खुद ही डील करो यार ये मैंने गलती बहुत करी है यार कस्टमर एक है आदमी पचास है नहीं 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 अरे नहीं नहीं एक आ कस्टमर को खुद डील दो तीन चार ऑर्गेनिकली हाँ मैंने बोला ना जैसे कि अगर एक एसएमई है और वो पांच लोग हायर कर रहा है उसके नाम जानता है बॉस दस होते तो नाम भूल जाता है शक्ल भूलता है पंद्रह बीस पे वो hmm. स्टार्ट नहीं करता है कि मुझे बीस से स्टार्ट करना है ठीक बात टीम बिल्डिंग शुड ऑलवेज बी ड्रिवन बाय द डायनेमिक्स ऑफ ए बिजनेस एंड द रूल इज ऑलवेज होल्ड बैक हायरिंग एज मच एज पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल वाई सो दैट यू लर्न मोर अबाउट ए बिजनेस एंड सो दैट यू कैन यू नो डिफाइन यूर प्रोसेस बेटर राइट सो दैट यू हैव सम प्रेशर टू डू ऑप्टिमाइज योअर बिजनेस बिकॉज तुम जैसी कोई आया तुम हायर कर लो तुम कर लो जाके तो यू नेवर गेट अ चांस टू ऑप्टीमाइज द प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट हैंड सो दैट यू कैन देन इवन यर कोई नया आया उसको करने को बोलते तुम खुद तो कर नहीं पा रहे हो हाउ डू यू इवन जस्ट दैट पर्सन सही बात है यार तुम जाओ ये कर लो वो कर रहा है अब आप उसको बोल लो नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो तुमने खुद तो किया नहीं कुछ hmm. खुद तो पहले कर लेते तो यू हैव टू मेकॉइंटर से किया था तो मैंने ऐसे कर लिया था इसके खराब करोगे तो मुझसे भी खराब हो इससे अच्छा ही करो दिस इज लॉस्ट ऑन ऑल फाउंडर्स अपने को लड़के हेर करने हैं या देखो ये भी उतना क्लाउड होता है जितने जितनी टीम बड़ी हो उतना क्लाउड उतनी बड़ी टीम है हर आदमी पूछता है कि टीम कितनी बड़ी है पहले ना

लोगों को हायर किया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिग्रीज़ और जस्ट बिकॉज ऑफ़ द बैकग्राउंड नॉट बिकॉज बट दे कैन डू एंड लोगों को हायर किया जब मैं खुद नहीं वो काम कर पा रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं काम कैसे जज करूँ और वो काम कैसे होगा तो बहुत बहुत, बहुत बड़ा लेसन है मेरे लिए कि मैंने खुद <coughs> अपना जो मोस्ट रीसेंट रिस वर्जन है मैंने खुद बैठ के बनाया टीम के साथ मैंने खुद रिएक्ट लर्न करी <coughs> पहले अच्छा, आपने पूरी लैंग्वेज लर्न लेंग करी रिएक्ट है जावास्क्रिप्ट है यार कि So that I can I can I know what's going on and I can tell how much time it takes, especially in tech. Right. right, <laughs> right. So no non-tech founders. Uh, you can learn, especially with AI now, Chat GPT, you can learn very quickly. Mm. And uh, don't expand your team until you really have to. Take this as gospel. Mm -hmm. Don't worry about uh, you know, like optics. Optics.

सबको पता होता है ये बेकार है आदमी बेकार ये कर नहीं पाता है आप किस लिए हायर किया है शक्ल की अकल के लिए किस लिए हायर किया है हो सकता है डिग्री हो उसके पास अब बहुत होता है आई वाला बंदा हायर के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो भी करना कम कर देते हैं ये भी नहीं कर पा तो आई टी थे इनसे करवा लो ब्रोकन विंडो सिंड्रोम है जो आज आपने पोस्ट आज पोस्ट किया था न, कल देखो उससे करवा लो हमसे क्या करवा रहा तो है जब इतना बड़ा आदमी यार किया तो कर लो अरे कई कई बार तो होता है कि आदमी टीम मेहनत कर रही होती है तीन चार लड़के होते काफ़ी मेहनत मार रहे होते है और एक बड़े आदमी को हायर कर लेते हैं एक्जैक्ट ये आएगा करेगा वो आदमी कुछ करता नहीं बाकी लोग भी करना बंद कर देता है right. करवा लो उससे भैया बड़ा आदमी है right. मोटिवेट अपना मोटिवेशन सारा डीमोटिवेशन मोटिवेशन टन हो जाता है तो भैया फाउंडर लोग प्लीज़ हायरिंग मत करो इवन इफ़ यू हैव द मनी बैंक में रखो इंटरेस्ट लो एंड एज मच एज पॉसिबल डू टू योर सेल्फ एंड विद द टीम एंड एक्सपैंड ओनली वेन द इंटायर टीम एक और चीज़ बोलेंगे देखो तो hmm. दो मिनट रुक जाओ प्लीज प्लीज वैन द एंटायर टीम इज़ फुल्ली स्ट्रेच्ड सब लोग पूरा मतलब एक्सरस नहीं कर सकते एंड ओनली हायर वैन द एंटायर टीम हैज कंसेंसेस ये मैंने बहुत गलती करी है खुद इंटरव्यू करके हायर कर दिया बुला दिया टीम को पहले टीम ज्वाइन कर रहा तो टीम से मिल रहा है टीम को पता ही नहीं कौन है ये भैया चाचा आप कौन है अरे हम फला फला जिले से आए हैं जिला गाजियाबाद से आए हैं <laughs> तो टीम से मिला दो पहले और टीम से पूछो भैया उसको हायर कर लें टीम से बात कर लो और वहां से तुमको टीम की क्लैरिटी मिल जाएगी कौन काम का कौन काम का नहीं, कौन कौन नहीं कौन है कौन अलाइंड है कौन अलाइंड नहीं है कौन खुश है कौन खुश नहीं है कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर उस टीम को अगर तुमको क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी ले आओ अगर कोई अलाइन नहीं तो अलाइन कर लो उसको बोलो यार देखो हम लोग सब साथ में अगर तुम्हें नहीं स... हम लोग लेट्स लेट्स बी बी फ्रेंड्स फ्रेंड्स यू मूव ऑन अच्छा ठीक है मैं ये भी समझ गया हायरिंग को लेकर मैं टीम को भी समझ गया खुद से करो खुद से करो जब तक नहीं होता फिर जब दिक्कत आने लगे तो मे बी यू वॉन्ट टू स्टार्ट हायरिंग एक्सेट्रा आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड हाउ टू स्पॉट इट बिकॉज लाइक समटाइम्स यू नो आई हियर यंग सॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स कोडर्स टेकीज इवन नॉन टेकी बिजनेस फोक टॉक अबाउट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड वेटिंग फॉर द राइट वन इट हैज टू बी एन अपॉर्चुनिटी जिसमें स्केल हो जिसमें पैसा हो जिसमें दिस हो जिसमें दैट हो इज होलेक्टिव नेचर टू द प्रोसेस राइट

पूरी दुनिया में वीसी ने पैसा दिया कंटेंट इकॉमी के नाम पे इंडिया में कंटेंट इकॉनमी के नाम पे पच्चीस लोग अपना नाम बना के दुनिया भर की बातें ठीक है कंटेंट इकॉमी एक चीज है उसका रियलाइजेशन किसी ने नहीं देखा कंटेंट इकॉनॉमी सुन के चार लोग कहते हैं हम कॉन्टेंट क्रिएटर बनेंगे वो कॉन्टेंट क्रिएटर बनते हैं दस साल लगाते हैं दस साल में सपोज वो सात आठ लाख रुपए महीने में पहुंच जाते हैं थिंक दे कैन स्केल फॉर एवर अचानक कॉन्टेंट इकॉमी बर्स्ट हो जाती है डॉट कॉम बबल बर्स्ट हो गया था एक टाइम पर राइट वेब थ्री और एन की मार्केटें ही गिर गई थी would you not say that 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 those are bad opportunities in some way they don't have sustenance, they don't don't have have sustenance long term plays like is that, is that a real thing Or, क्या सोचू सबके बारे में नहीं देखो फिर नहीं। ना कि अब देखो कॉन्टेंट इकॉनमी करके तुम तो कॉन्टेंट बना ही रहो ना तो बनता है कॉन्ट्रेंट बनाने वाला चाहिए चल रही हैं कॉइन का स्टॉक वापस आ गया है यार देखो अपॉर्चुनिटीज जैसे भी हो ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है entrepreneur, entrepreneur, जो निकाल सकता है निकाल लेगा जो नहीं कर सकता वो नहीं कर पाएगा अब देखो ना कोई चीज हंड्रेड परसेंट ऐसा तो गोल्ड रश नहीं है कि भैया यहाँ पर ऐसे खोदो तो गोल्ड निकल जाएगा और ना चीज़ कोई जीरो परसेंट होती है तो बीच में कहीं ना कहीं होता है थोड़ा थोड़ा लगाता है थोड़ा, कभी कोई लग खराब होता है है ना तो भाई मूवी तो परिंदा भी फ्लॉप हुई थी बहुत अच्छी मूवी थी मैंने नहीं देखी आ, चलो कोई अच्छी मूवी बताओ जो फ्लॉप हुई हो एनिमल एनिमल तो हिट है यार अंदाज़ अपना, अपना अपना, अपना अच्छी है। इतनी अच्छी है, पर अपने ने मतलब तो तो देखी नहीं थी हमने खुद सत्रह में देखी थी पहली बार मेरे एक दोस्त ने दिखाई थी तो पॉइंट इज यार देखो अब अब लग खराब है तो फिर वो भी होता है बट बीस साल बाद अंदाज अपना अपना को इज्जत मिल गई राइट तो इज्जत फाइनली मिली है बट आई डोंट सब्सक्राइब टू द फैक्ट दैट के अरे वो आइडिया खराब था ये खराब था वो खराब था अंटरप्रनर hmm. में दम थी तो कर लेगा नहीं दम ये तो नहीं कर पाएगा खत्म बात आई है आई थिंक वेरी ऑफ्टन योर सक्सेस डिपॉन कलेबरेशन राइट एंड इन अ स्केयर सिटी ओरिएंटेड कंट्री जहाँ पे भैया अगर मेरे पास रोटी आपके पास नहीं है और आपके पास है तो उसके पास नहीं है आदमी के ना अंदर से कंपटीशन भाव जैसे वो कहता है ना उसमें थ्री डेट्स की शुरुआत में हम स्पर्म के लेवल से कंपटीशन शुरू करते हैं फिर वो चलता रहता है आईआईटी में घुसना आईआईटी के बाद नौकरी में घुसना जब आप एक ऐसे ऊबर कम्पिटेटिव स्टेट में रहते हो जहाँ पे सीक्रेसी और बचा के रखना खुद को और ये और वो दैट इज द वे यू विन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर लेंस एंड बिकम अ विनर बिकॉज एज अ विनर आई फील लाइक आप विनर बनते हो कोलेबरेशन से और आप विनर रहते हो से इज अ होलेब्रेशन एलिमेंट ऑफ playing with people who may or may not be part of your team but are part of your circuit, part of your community, right? Maybe part of your nation. How does one think about building as a community, slash building as a nation, slash building as a circuit of people? नहीं वो बहुत सिंपल सा है उसमें आइडिया है कि यू कैन नॉट बिल्ड अ कम्युनिटी अनलेस यू आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी, राइट? तो पहले बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी एनी कम्युनिटी एंड देन लर्न फ्राम दैट कम्युनिटी हाउ टू बिल्ड अ न्यू वन इफ यू वॉन्ट टू और हाउ टू एक्सटेंड द वन दट यूर एन कोई काम स्ट्रैस से नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता कि जो तो मैंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया और फ्रेश कम्युनिटी बिल्कुल सुबह सुबह उठ के बना ली मैंने आई आई टी में, में मेगा वर्क स्टार्ट किया था दो हज़ार दो में इंडिया का बिजनेस प्लान कॉम्पिटन फर्स्ट बिजनेस प्लान कम्पिटन तो ऐसा नहीं कि मैं अभी कम्यूटी बना रहा हूँ uh -huh. बहुत कम्यूटीज बनाई है कम्युनिटी बनाना इज नॉट अबाउट कम्युनिटी बनाना बट इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी एज अ इंडिविजुअल एंड हाउ यू कनेक्ट विद पीपल एंड यू सी विन

are those helpful is that smart is that possible So, <clears throat> <laughs> gary venacho to her coffee marketing aggressive focused marketing mm -hmm. focused like in win win the go it is not something that happens every day sometimes you lose sometimes they win sometimes they lose the you win so win win is a very long termish thing mm. right and it's up to you how to sell the long term और शॉर्ट टर्म ऑफ द बिजनेस फॉर फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म होता है तो ट्रांजेक्शन होता है कि भैया ये ये कल लो आज बाकी कल के कल देखते हैं mm -hmm. कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा गिव करते हैं थोड़ा वेट करते हैं कि भाई बाद में यू नो विल फिगर आउट अ विन बट अभी mm -hmm. तुम ले लो चलो है ना mm -hmm. तो दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्टिव थिंग बट मेरा सजेशन ये रहता है लोगों को कि कोई चीज़ शॉर्ट टर्म बेकारी होती है किसी से एक बार मिलने का ही फायदा नहीं है अगर उससे कुछ लॉन्ग टर्म प्लान ना हो तो ट्रांजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप तो मुझे दो मैं क्योंकि मार्केट प्लेसेस बहुत सारी हैं राइट तो शॉर्ट टर्मनेस अगर देखना दिमाग से हटा दो और सिर्फ लॉन्ग टर्मनेस देखो हर चीज़ की हर दोस्ती लॉन्ग टर्मनेस देखो ये देखो कि आज हम जिससे मिल रहे हैं किसी से मिल रहे हैं उसे दस साल बाद भी मिलेंगे तो मेंटल एक इमेज बनेगी ब्रिज ना बन करने की लड़ाई ना करने की लड़के लोग मतलब कितने यार ट्विटर पर मिलते हैं वो तीन मैसेज करते हैं चार मैसेज करते हैं डीएम करते हैं मैंने अगर इग्नोर कर दिया तो पाँचवें मैसेज में गाली देते हैं छठे <laughs> मैसेज हो जाते हैं छठे मैसेज पे आके वो मेरी टाइमलाइन पे आके घरिया लग जाते हैं और ये मतलब दो हफ्ते तीन हफ्ते में हो जाता है उनका <laughs> पूरा साइकिल है साइकिल है, <laughs> है। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे चार हफ्ते में तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मतलब तुमने तो अपना दिखा दिया चार हफ्ते में ही और मैं यही चाहता था भैया कि तुम दिखा दो कौन हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच लेते अगर तुम मुझे छः महीने तक मैसेज कर रहे हो और उसके बाद मैं रिप्लाई कर रहा हूँ और तुम अच्छे मैसेज की बात कर रहे हो कुछ भी बात कर रहे हो फॉर वट एवर रीजन मैं बिजी हूँ मैंने छः महीने रिप्लाई किया तो अच्छा ही है ना कि छः महीने से तुम रिप्लाई कर रहे हो मैंने गेट बैक किया तो हमारा छः महीने का एक रिलेशनशिप हो गई <laughs> फिर कहीं भी मिल रहे हो आराम से राइट right. तो तुमको वो चेक क्यों भुनाना है एक ही दिन में कि मुझसे पहले दिन डीएम किया और अगले दिन तुम्हें चेक भुनाना है क्लियर करना है कुछ एडवाइस मिल जाए कुछ मिल गया मुझसे राइट है ना किसी भी दोस्त से मिले मिले थोड़े दिन बात करी फिर लड़ाई कर ली अरे यार क्या फ़ायदा हुआ उसका हफ्ता दो हफ़्ता चार हफ्ता पाँच हफ्ता दोस्ती करने से क्या फ़ायदा है दो साल तीन साल पाँच साल दस साल की सोचो और वो लॉन्ग टर्मनेस से कम्युनिटी बनती है बस बस वही है यार इंडिया में क्राइम मैंटेलिटी इसलिए नहीं है कि लोग सोचते हैं कि ऐसा घटा हो जाए मेरा फायदा हो जाए मेरे ख्याल से इंडिया में क्राइम मैंटेलिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है क्योंकि थोड़ा माइंडसेट थोड़ा सा डूमर माइंड रहता है कि पता नहीं लॉन्ग टर्म में क्या हो यार कहाँ लड़ाई क्या हो जाए क्या दंगा हंगा हो जाए कोई ये राय ना हम रहे अभी से निकाल लो बात की बात बाद में करते हैं उससे कोई लॉन्ग टर्म चीज़ बन ही नहीं पाती है हर चीज़ शॉर्ट टर्म होती है हर चीज़ आदमी आज कल परसों में भुलाने की लगा रहता है जबकि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलेगा उसको तो बस लॉन्ग टर्म मेंटैलिटी रखो यार शॉर्ट टर्म में कितनी ब्रिजेस बन हो रहे हैं कितने लोग ब्रिज बन करते हैं मतलब तुमको क्या बताएं यार क्या बताएं एक लड़के के साथ ट्विटर पे था, था साथ में गारी गलियाँ क्या रही भी पॉइंट इसकी Almost, almost, हाँ. क्या आ, फायदा हुआ उसका है? हाँ. तो लॉन्ग टर्म सोचो और बिजनेस बंद मत करो ठीक है Is there any other thing इस में कहना तो दोबारा आएंगे तिबारा आएंगे और लंबी लंबी बातें करेंगे यार और फिर से करेंगे ठीक है अच्छा लगा तो और करेंगे मज़ा आया भाई बहुत मजा आया